सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहां पर एक मक्का के प्लॉट पर खड़े हुए हैं जो पूरी तरह से ये कट चुका है, और किसान से बात करते हैं। नमस्कार सर। किसान नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अनिल कुमार पंड्या है जी। मैं चिड़ियावासा का निवासी हूँ। मैं तहसील बांसवाड़ा जी, जिला बांसवाड़ा जी, राजस्थान जी। ये मैं पहले इंटरेस्ट खेती में नहीं लेता था जी। रीज़न था कि मेरे पास छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन इस साल मैंने खेती में मेरे बंटवारे में एक खेत आया तो मैंने इंटरेस्ट लिया जी। लेकिन मैंने जब देखा कि इसमें जुताई बुआई सब कैसे अपने तरीके से करते, अत्याधुनिक तरीके से, और अत्याधुनिक तरीके से बीज वगैरह सब ला के बुआई करना है, जो पुराने किसान लोग करते थे ऐसा नहीं करना है। मैंने इस पर बहुत ध्यान रखा। मैंने एक भाई साहब हमारे जो महादेव टेंडर्स वाले से मैंने ये मक्का लिया, जिसका नाम है कलश कंपनी का है, KSP 5391 जी। हाँ। इसका प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं पुत्र की पहचान पारणे में हो जाती है जी। हाँ। ये मक्की है, देखो घोटी से लगा के चोटी तक जी। हाँ। इसका एक भी दाना नहीं छोड़ा है जी। और ये मक्की इतनी अच्छी है, जब बाहर के भी किसान आके देख रहे हैं कि इसमें तुमने कौन सा बीज बोया है। मुझे इससे देख के खेत में प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता भी ज्यादा लग रही है, 15 से 20 क्विंटल एक बीघे में ये होगी, ये मेरा वादा तो है। आपने पंडित जी कितनी पैकेट लगाए? मैंने सिर्फ 2 पैकेट लगाए जी। हाँ। आपने 2 थैली लगाई? हाँ, 2 थैली लगाई। तो कोई सूखा रोग नहीं, कोई रोग भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे विधि पूर्वक मैंने काम किया। जैसे आपने ये मार्गदर्शन, मक्का को आपको ये दवाई डालना है, इसमें ये करना, सब कुछ मैंने विधि पूर्वक किया है, और उसी का शय आज ये देख लो, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ।